गुड मॉर्निंग गाइस, आज का मेरा व्लॉग फैमिली व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैंने जो है इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए। तो आप लोगों ने कहा था कि इफ्तार मेकिंग बनाओ, इफ्तार के ऊपर बनाओ, रमज़ान के ऊपर बनाओ, ठीक है, इफ्तार रूटीन बताओ। तो आज मैं वही रूटीन, वही सब कुछ बताने वाला हूँ जो मैं इफ्तार में, जो रोज़े में करता हूँ। सो अभी सुबह के 6:05 हो रहा है, मैं जा रहा हूँ फ्रूट ख़रीदने अपने भाई के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो के एंड में। सो देख रहे हैं हमारे जिगरे को, हम सुबह 6 उठ के फ्रूट ख़रीदने जा रहे हैं। हमारा रूटीन ही यही रहता है, हम पूरे दिन क्या करते हैं, रोज़े में 1 तो उठते हैं, ठीक है, और हमारा रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है क्योंकि हमें सैरी में उठना पड़ता है। बट हम ऐसे ढीठ लोग हैं कि हम सोते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। अभी भी हम जा रहे हैं फ्रूट ख़रीदने सुबह ही सुबह 6:05 को, मैंने जैसे आपको बताया था। बट फ्रूट लेने के लिए अभी हमें बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि हमने पैदल का रूट पकड़ा है। बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे जो सुबह का बाज़ार लगता है, यहाँ पे जो है सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सस्ते फ्रूट वगैरह मिलते हैं। अभी जो दोपहर को और शाम को मैं केले लेने जाता हूँ, मैं 60-70 लेता हूँ दर्जन के हिसाब से, 12 केले। अभी सामने केले वाले हैं, अभी देखना आपको कितना अंतर दिखता है। 30 रुपये के केले हैं यहाँ पर, थोड़ा एक दर्जन निकाल दो। मैं क्या बना रहा हूँ जान भाई, हमारी वीडियो बना रहा हूँ। केले दिखा दूँगा जान भाई, केले दिखाऊंगा यार। लोगों को लगता है कि सुबह के बाज़ार में जो है चीज़ें ख़राब मिलती हैं, इसलिए सस्ती मिलती हैं, बट गलत है। सब चीज़ें सही मिलती हैं, बट उठने वाले बनो सुबह। सो हमने लिए हैं 2 दर्जन केले। सो फाइनली हम आ गए हैं रोड पे। यहाँ पे तो है, आप जैसे देख सकते हो, दिखाओ यहाँ पे जो है फ्रूट्स वगैरह मैंने दे रहे हैं। जा रहे हैं मंडी में जो कि दरियागंज में है, जहाँ पे फल फ्रूट आपको सस्ते से सस्ता मिलता है। लाइट आ रही है और सुबह जाओगे तो और मज़ा आएगा। मैंने आलू लिए हैं 60 रुपये के 5 किलो, मैंने लिया है कटहल 1 किलो 50 रुपये का, पालक की पूरी गड्ढी ली है मैंने जो होगी 1.5 किलो के आसपास की, मैंने लिया ब्रोकली 20 रुपये का 300 ग्राम, भिंडिया लिया मैंने 40 रुपये की 1, और हाँ कैप्सिकम भी लिया है मैंने 20 रुपये का 1/2 किलो। और केला तो आपको पता ही है मैंने कितने के लिए, और टमाटर मैंने लिए 15 रुपये के। तो चलो चलते हैं अब जल्दी जल्दी, अभी जाके सोना भी है और उठ कर इफ्तारी भी बनानी है। 2000 years later. Good morning guys. So finally मैं जा रहा हूँ दोबारा फ्रूट्स लेने, जो सुबह मैंने लिए थे, ठीक है। सोच रहा था वीडियो बनाऊँगा बट मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ये, कि यहाँ पर बड़ी तेज़ बारिश हो गई है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है शाम का वक्त है और यहाँ पे लोग शॉपिंग पे निकल गए हैं क्योंकि ईद बहुत नज़दीक है हमारे, और लोग भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ रेन। कुछ कुछ लोग तो सस्ती सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं कि बारिश हो रही है ले लो, 100 के 2 ले लो, 100 के 4 ले लो,
बेसिकली मैं आ जाऊँ सामान लेने निकला था, जो फ्रूट मुझे सुबह मिले नहीं थे वो लेने निकला था। पूरी तरीके से भीग चुका हूँ मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। Hi guys, okay sorry. So अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि लाडले साहब क्या कर रहे हैं। मेरे बाल छिल रहे हैं नोमैट। ओके ये देखिए गाइस, इन्होंने इतने छिलके उतार चुके हैं ऑलरेडी। ये सब माँ का प्यार है, और माँ के प्यार की वजह से ही और डांट की वजह से ही सब काम होते हैं मुझसे। ओह झूठ। ओ गाइस आपको पता है कि कौन काम करता है ज़्यादा, कमेंट करके बताओ। तैयारी चल रही है, चल रही है। मैंने आज आप लोगों से कहा था कि आज मैं कचालू बनाऊंगा, तो आज मेरा उसमें काटता है। वरना कौन बनाता है कचालू? मेरी बहन बनाती है। नाम पहचान? लाडले साहब आम पर पहुँचे हैं। तो मैं शाम को फ्रूट्स लेकर आया हूँ, बस एक आम है और आम मुझे नहीं लगता कि मीठा होगा, मुझे खट्टा लग रहा है। नहीं चाय बन रही है, साथ में पियोगे बैठे पियेंगे आप? अबे बनेगा, आएगा आएगा ईद पे। किचन से बारह मुझे आ रहा है कि किचन में पकौड़े खाने का। पहले वैसे नींबू के बीज निकालते हैं, हल्का हल्का प्रेस करके नींबू के बीज आ जाते हैं, फिर हम उसको बारी है शुगर की। मैं ये डालता हूँ मसाला, उठ गई। ये हमारी बहन बना रही हैं शरबत रूह अफ़ज़े का। साहिबा हाय, बन गए पकौड़े? इतना उन्हें सोचना कि सटो बन नहीं दिख रहा तुम्हारा। ओके सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा पूरी तफसील से कि हमारे लिए रोज़े फ़र्ज क्यों हैं। तो सबसे पहले चीज़, जब हम भूखे प्यासे रोज़े से होते हैं तो हमें एहसास होता है कि खाना कितना ज़रूरी है। जब हलक सूखता है तो पानी कितना ज़रूरी है पता चलता है,
और रोज़ा रखने से हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों को आम दिनों में खाना पीना सही से नहीं मिल पाता और वो कैसे पूरे दिन भूखे पेट गुजारते हैं बिना पानी के बिना खाने के। रमज़ान में हमें हर सुन्नत चीज़ की 70 नेकियाँ मिलती हैं, जैसे ज़कात देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें। रमज़ान मुबारक में हमें कुरान शरीफ और नमाज की पाबंदी भी रखनी चाहिए। कुछ लोग फाके करते हैं, रोज़े तो रखते हैं पर उन्हें नमाजों का होश नहीं होता, पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं, सिर्फ रोज़ा खोलते हैं और सहरी करते हैं और अपने अपने फ़ोनों में लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे रोज़ों का कोई मतलब नहीं होता। सो प्लीज़ डू एज मच इबादत एज यू कैन। दिस इज़ ब्लेस्ड मंथ फॉर ऑल ऑफ अस। आई वुड से इस महीने ही नहीं, सब चीज़ें करनी अपनी आदत बना लीजिए, आम जिंदगी में भी। much much later done सारे का टाइम हो चुका है, अब आपको किचन का दिखाते हैं हाल क्या हुआ है। फटो क्या डाल हैं डाल ना, इसको क्या कहते हैं साहब, बंद बंद कहते हैं, तुम्हें पता ही है। अबे क्या कर रहे हो ये तुम, तुम्हारा तो बीर और नहीं है, क्या कहते हैं बंद, इनको खुद नहीं पता, पता नहीं जो सारा करता है कोई। जाओ 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 नेवर ब्लॉग में आओ, खाना खाते हैं कैसा खाते हैं, शहरी में हम लोग मीठा खाते हैं पहले, वैसे खाने से पहले मीठा खाना ज़रूरत होता है, लेकिन हम लोग बाद में खाते हैं, बाहर होना खाना, चाय पीना इज़ मैंडेटरी, उसके बाद नमाज। शहरी का टाइम हो गया है, क्या हुआ इसी के साथ हम लोगों ने सैरी कर ली है। और आपको अगर मेरी वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, स्टे सेफ।